पायलट से बोली उमेश पाल की पत्नी, ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। तो जयपाल की तरफ से यहाँ पर मांग की गई है कि ऐसी सजा इन दोषियों को सुनाई जाए जो मिसाल बने, कोई अतीक अशरफ बनने का ना सोचे। सुरक्षा कारणों की वजह से कोर्ट नहीं जाएंगी उमेश पाल की पत्नी, ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। फैसले का दिन है, 17 साल पुराने गुनाह का आज हिसाब किताब अशरफ और अतीक अहमद का। इस बीच न्यूज स्टेट पर उमेश पाल की पत्नी ने कहा है कि ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने, कोई अतीक अशरफ बनने से पहले 100 बार सोचे। तो वहीं सुरक्षा कारणों की वजह से कोर्ट नहीं जाएंगी उमेश पाल की पत्नी। तो आज पेशी के दौरान आज कोर्ट में उमेश पाल की पत्नी जयपाल को भी पहुंचना था, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वो यहां पर उपस्थित नहीं होंगी। जया जी, क्या कुछ कहना है आपका? किस तरह की सजा आप चाहती हैं कि आज उनको कोर्ट में हो? मैं माननीय मुख्यमंत्री और न्यायालय महोदय से बस अब मैंने मतलब वो और मैं तो लड़ने लायक नहीं हूँ, मैं उनसे बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वो जो है जो भी उस आदमी को सजा देंगे तो वो ऐसा दे कि कम से कम वो मिसाल बने कि जो अतीक अहमद नाम का और अशरफ नाम का आदमी था उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि ये अगर जिंदा रहा तो कल को ये घटना किसी और के साथ भी कर सकता है, शायद मेरे साथ भी ये घटना हो सकती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि जो है वो मेरे पिता तुल्य हैं, वो जो भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं वो मेरे हित में कर रहे हैं। मेरे आदमी ने जो कुछ किया वो सब सामने है, कोई चीज पीछे छुपी नहीं है, और वो निहायत ही सीधे आदमी थे, उन्होंने कलम से लड़ाई किया, बाकी और कुछ उन्होंने किया नहीं था। ये व्यक्ति ऐसा है कि इतना खराब आदमी था कि इसने जो है मेरे आदमी की निर्मम हत्या करवाई है। मैं सिर्फ यही अपील करूंगी कि उन्हें सजाए, फांसी की सजा जरूर सुनाई जाए। अगर वो जिंदा रहा तो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, और वो जो है सबका अंत कराएगा, इसलिए उसका जो है मर जाना ही ठीक है, कम से कम फांसी की सजा सुनानी ही चाहिए। उमेश पाल की पत्नी जयपाल को आप सुन रहे थे सीधे तौर